मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्ट पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। बाबा की अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में मैं विनोद शुक्ला आपको सुना रहा हूँ आज गोदावरी तिवारी का अनुभव। गोदावरी तिवारी गर्म पानी में वीडियो थी, कैंची धाम वो अक्सर जाया करती थी बाबा के दर्शनों के लिए। एक बार जब बाबा के दर्शनों के लिए वो एक प्रोग्राम बना रही थी, उसी समय उनके यहाँ पंत जी का संदेश आया। किसी काम से मिलने वो उनके घर आए, उन्होंने देखा कि गोदावरी जी बाबा जी के दर्शन करने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि चलो मैं भी चलता हूँ। गोदावरी जी ने कहा कि मैं तो निराहार रह के गुरुदेव के दर्शन करती हूँ, आप खाना खा लीजिए तब चलिए। पंत जी ने कहा कि ये बताइए, मैंने सुना ये है कि वहाँ तो भरपेट प्रसाद मिलता है। गोदावरी जी ने कहा हाँ मिलता तो है, बाहर भक्त जो भी जाते हैं उनको भरपेट भोजन मिलता है, प्रसाद मिलता है वहाँ पर, तब क्यों खाना खा के चलें, खाना वहीं खा लेंगे, कम से कम एक दिन का खर्च बचेगा। जब उन्होंने ये शब्द कहे तो गोदावरी जी ने कहा कोई बात नहीं, चलिए आप वहीं खाना खाइए चल के। दोनों लोग कैंची धाम पहुंचे, बाबा तख्त पर विराजमान थे। एक भक्त उनको ताजे कलाकंद का भोग लगा रही थी। दोनों लोगों ने साष्टांग प्रणाम किया। कलाकंद में से बाबा जी ने गोदावरी तिवारी को प्रसाद स्वरूप दिया कि ले भाई प्रसाद पा ले तू, और पंत जी से बोले अरे भाई पंत तू जा भंडारे में प्रसाद पा, तुझे तो एक दिन का खर्च बचाना है, खाना खा ले भरपेट खाना, तेरा एक दिन का खर्च बच जाएगा। पंत जी हतप्रभ हो गए, जो बात उन्होंने घर पे की थी गुरुदेव को कैसे मालूम पड़ी। पंत जी उनके चरणों में लेट गए, बाबा ने आशीर्वाद दिया और तब से पंत जी उनके भक्तों में शामिल हो गए। ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जय